यौ पाहुन कन खिस्ता कहियो सासुर के, यौ पाहुन कन खिस्ता कहियो सासुर के, कनिया को ना एली सोझा बात कहुआ आगू के, कनिया को ना एली सोझा बात कहुआ आगू के, ये कनिया कन खिस्ता कहियो पाहुन के, ये कनिया कन खिस्ता कहियो पाहुन के, कोना कहाँ गलिए सोझा बात कहू कने आगू के, कोना कहाँ गलिए सोझा बात कहू कने आगू के, ये कनिया कन खिस्सा कहियो पाहुन के, यौ पाहुन कन खिस्सा कहियो सासुर के, ये कनिया कन खिस्सा कहियो पाहुन के, ललका पाग ललका पाग ललका पाग ललका पाग। नमस्कार। ब्याह के एकटा एहन मधुर कहल गेल छै जे क्यों खाइ छथि ओहो पछताइ छथि आ जे नहि खाइ छथि ओहो पछताइ छथि, यानी जे क्यों खा लेने छी हुनका ले ई कार्यक्रम यानी ललका पाग बहुत मनोरंजक कार्यक्रम अछि। एहि कार्यक्रम में अपने मोन पाड़ै छी जे मधुर खेने रही आइ सँ वर्ष पूर्व, ओ मधुर केहन अछि, ओकर स्वाद आब केहन लागि रहल अछि, आबयवला दिन में एकर स्वाद केहन रहत। जी हाँ, हम बात कर रहल छी कार्यक्रम ललका पाग के। ललका पाग यानी एक एहन कार्यक्रम जे अपने एक मैरिज एनिवर्सरी पर आधारित है, विवाह से जुड़ल याद के एक बेर फिर से मोन पारू आ आओ चली हम अहाँ के भेंट कराबी एक नव जोड़ी से जे छथि अपना अपना फील्डक महारथी। ललका पाग में आई हमरा लोकनि आमंत्रित कलियन अछि एक एहन दंपत्ति के जिनकर विवाहक कथा अपना आप में इतिहास अछि। मुदा की अछि इतिहास? इतिहासक पूरा भेद खुल जात कने कालक बाद जखन अहाँ अपने स्वयं अइ इतिहास के जिनका लोकनिक बीच घटित भेलनि हुनका श्रीमुख से सुनब। हम आमंत्रित कर रहल छियनि अपन आजुक अतिथि श्री गजेंद्र ठाकुर आ हुनक धर्म पत्नी श्रीमती प्रीति ठाकुर जी के। दोनों गोटाक ललका पागक आजुक अंक में बहुत बहुत स्वागत अछि। सबसे पहिने हम प्रीति जी से जाना चाहबनि। प्रीति जी, अहाँ पहिल नजर में जे हिनका देखलियनि तऽ कखन देखलियै? जयमाल के समय में हम हिनका देखने रहियै, ओ बहुत कम देल बेसी नहि। मुदा हमरा खबर लागल है भेदिया समाचार देलक जे अहाँ सबके जे विवाह भेल छल ओहि विवाह में प्रायः बचपन में कहियो अहाँ सब लग पास में रहल रही, कि तहिया हिनका नहीं देखने रहियै? ओते याद नहीं है हमरा सबके, बिसरि गेल छी। गजेंद्र जी, अहाँ के याद अछि जे अहाँ विवाह से पूर्व यानी जहिया अहाँ सब बच्चा रही तहिया कहियो हिनका देखने रहियै? नहीं, ब्याह पहिने तो नहीं देखने रहियै, लेकिन हमर माँ बच्चा में देखने छै। दर्शक लोकनि ने गजेंद्र जी के याद छनि आ ने प्रीति जी के याद छनि जे ई सब एक दूसरा के देखने रहत पहिने। मुदा बात ई छै जे ओ राज रहै कि से कखन हम भेद खोलबै, लिए हम एखने भेद खोलै छी आ गजेंद्र जी से एखने थोड़े काल पहिने हमरा सबके गप सप होइत रहै, ताहिमे ओ कहला जे हमर जे विवाह भेल से बड़ा यानी रोचक विवाहक दास्तान अइ, तऽ हम कहलियनि जे ठीक छै अहाँ हमरा तऽ सुना देलहुँ मुदा हमर दर्शक सबके अपने श्रीमुखसँ एक बेर फेर सुना देबनि। गजेंद्र जी, हम जानऽ चाहब जे विवाह अपने सबक केना तय भेल रहै? हमर बाबूजीके मृत्यु 95 1995 भऽ गेल छलनि, तऽ ओ इंजीनियर छलखिन आ हमर क्वार्टरके सोझाके बगलवला क्वार्टरमे हिनकरसँ चाचा जी रहै छलखिन, तऽ ओहिमे मतलब बच्चा बने होइ छै जे हिनकर हम ठीक कऽ लेलहुँ अहाँके बेटासँ बिआह हैत ई ओ कऽ कऽ, मतलब ओहिना हँसी मजाकमे या जे किछु छलै हँ। तकर बाद जहन पिताके मृत्युके 95 भेलै तऽ 99 जाकऽ 99 हमर एगो पितियोद भए छलखिन हँ, जे ओते कॉलोनीमे रहै छलखिन ओहि टाइम हमसब बच्चेमे रहियै तखने, तो बाद में पता चलल जो घटक छलखिन, हमरा सबके से पता नहीं रहा ओहि समयमे, तो ओ कहलखिन जे ले कक्का गछले छथिन जे हँ कहि देने छथिन। आ बाबूजीके चूँकि मृत्यु भऽ गेल छलै तऽ हुनकासँ पूछबनि केना कि गछने छथिन, पूरा गाममे हल्ला कऽ देलखिन जे कक्का गछने छथिन ई ओ। आ पाँचम बरखी रहै शायद ओही साल होइवला, तऽ
ओहि पूरा गामके पता चलि गेल रहै कि काका गैस लेले छथिन आ बेटा सब जे नहि करथिन तऽ नहि होइ छै जे बेटा सब आब नहि कहलमे बापक कहलमे बाप गैस लेले हँ हँ ले बात कहलकै जे फिर नहि करबै ब्याह तऽ बदलावी भऽ जायत तब कहलियै बदलावी किया हैत कऽ लेबै। दर्शक लोकनि बुझलियै आब की छलैया इतिहास, मुदा ई जे इतिहास छलैया एहिमे कतेक अंश सत्यताक छलै ई तऽ गजेंद्र जी यानी कहलियै कि बात भेल। हम जानऽ चाहबनि प्रीति जी सँ जे प्रीति जी जहन विवाहके गप भेलै तऽ गजेंद्र जी कहि रहल छथि जे समूचा गामके पता छलैया, तऽ की अहाँके नहि पता छल? नहि, हुनकर गामके हमरा नहि बुझल अछि। गजेंद्र जी जे अचानक भेट गेला तऽ केहन लागल? बड़ नीक नीक लागल। गजेंद्र जी अहाँ की कहऽ चाहब, यानी अहूँ जहन यानी एकटा होइ छै जे संस्कार दुआरे अपन मानि लेलहुँ जे भाइ हमर पिता कमिट कयने छथि तऽ हुनका हमरा बदनामीसँ हुनका नामपर किया कलंक लगनि, आब ई बातके पुष्टि तऽ भऽ नहि सकै छल, तऽ जखन ई अहाँके भेटली यानी प्रीति भेटली है तऽ एकटा जीवन सङ्गिनीके रूपमे अपनेक सङ्ग कोन हद तक दऽ रहल छथि? विवाहसँ पहिने चूँकि अहाँ यानी बहुत प्रबुद्ध लोक छी, अवस्था हालांकि कमे अछि मुदा कमे अवस्थामे जे मिथिलाक परम्परा रहलै हँ जे अपूर्णे पञ्चमे वर्षेवला जे यानी प्रतिभा रहलै हँ तकर प्रदर्शन करैवला गजेंद्र ठाकुर एकटा प्रख्यात साहित्यकार छथि, ऊर्जावान भविष्णु रचनाकार छथि, तऽ हुनका जे अपेक्षा छलनि हँ अपन दाम्पत्य जीवनमे पत्नीक रूपमे से कोन हद तक पूरा कऽ रहल छथि प्रीति जी? पूर्ण रूपसँ पूरा कऽ रहल छथि, किएकि 2000 हमर 26 जनवरीके विवाह भेल आ 15 नवम्बरके हमरा एक्सीडेंट भेल छलै। हमर बेटा जे पहिलुक संतान अइ तऽ ओ 15 दिसम्बरके भेल छलै, तऽ 15 नवम्बरके हम जमशेदपुरमे रहियै तऽ ओ पैटर्निटी लीव लए अप्लाइ कयने रहियै जे जेबाके, लेकिन ओ शनि दिनके कोनो ऑफिसमे काज आबि गेलै तऽ छुट्टी लेल रहियै, तैयो बजा लेलकै ऑफिस आ ओहिमे घर घुरैत कालमे ई छलथि पूर्णियामे, मतलब हमरा जेबाक छलै तऽ ओहि दिन एक्सीडेंट भऽ गेलै। ओकर बाद 1.5 साल लगभग हम बेडे पर छलहुँ, मतलब 3-4 ऑपरेशन, तऽ ओहू टाइममे मतलब दिसम्बरमे हिनकर डिलीवरी भेलनि आ हमरा लगे 14 दिसम्बरके हमर पहिल ऑपरेशन भेल छलै। ओकर बाद फेर जनवरीमे फेर हमहूँ जमशेदपुरसँ पटना आबि गेलहुँ, इहो पूर्णियासँ पटना आबि गेलथि। ओकर बाद 1.5 सालमे पटना पूर्णिया दिल्ली ईसब सबठूँ ऑपरेशन तऽपरेशनके सङ्गमे, बादमे इम्हरो जाकर जे हमर किताब तिताब जेना कुरुक्षेत्र मिलै या पंजी अयलै तऽ जेना हमर कनि आदत छै जे बैसलहुँ तऽ ऑफिसोसँ अयलहुँ तऽ 2 बजे राति 3 बजे राति तक अपन कम्प्यूटरपर बैसल छी, तऽ इहो सुति कऽ उठलथि तऽ देखलथि जे काज कऽ रहल छथि तऽ अपन कॉफी बना कऽ राखि कऽ चलि गेलथि या किछु, ताहि तरह मतलब बढ़िआँ मतलब हमरा कोनो तरहके दिक्कत। प्रीति ई जे हिसाबसँ व्यस्त रहै छथि, एकटा लेखकक जे यानी पत्नी होइ छै ओकरा बड्ड पीड़ा सहऽ पड़ै छै, यानी जहन अपन रचना कर्ममे लोक लागि जाइ छै तऽ ओ याद नहि रहै छै ओकरा किछु, तऽ ओहनमे अहाँके की फीलिंग होइए या अहाँ की सोचै छी? मोन किछु कनि तऽ लागै छै कि कनि हमरो सबके समय देथिन तऽ नीक रहतै, बच्चा सबके कनि टाइम देथिन, लेकिन ठीक छै, नीक लागै छै एतेक काज कऽ रहल छथिन अपन भाषा लए मैथिली लए। जिंदगी रूपी गाड़ी अहिना बढ़ल चलि जाइ छै। दर्शक लोकनि अहाँसब देखैत हेबै जे हमसब जे बैसल छी ओहिके पाछू किछु चलि रहल छै, एकटा टी वी सेट छै बड़का सन सुन्दर सन, बहुत भव्य घर अछि, बहुत सुन्दर घर अछि, आ ओहिमे जे किछु चलि रहल छै से की अछि पता अछि? दरअसल एहिमे चलि रहल छनि हिनके लोकनिक जे विवाह भेल रहनि तकर दृश्य। हम जानऽ चाहबनि गजेंद्र जीसँ, गजेंद्र जी अहाँके जे विवाह भेल छल हमसब दृश्य देख रहल छी, बहुत सुन्दर लागि रहल अइ, विवाहसँ जुड़ल कोन एकटा एहन चीज अइ जे अहाँके खूब नीक लागल छल? सामान्य रूपसँ विवाहमे की होइ छै कि साँझमे बरियाती निकलल, तऽ एहिमे सबसँ भेलै कि भोरे भोर बरियाती निकललै 5:30 किएकि हमर गाँव अइ मधुबनी जिलामे झंझारपुर प्रखण्डमे मेहत गाम, हिनकर छनि अहाँके पूर्णियामे श्रीनगर आओर पूर्णियाके बीचमे जगेली गाम, तऽ ब्याह भेल रहै ओतय श्रीनगर हातामे महानंदा कॉलोनीके सोझाँमे, तऽ बहुत लम्बा रास्ता रहै तऽ भोरे भोर मतलब ब्याहक गामोमे सब कहै जे साँझमे बरियाती जाइ छलै तऽ भोरे बरियाती।
यदि विवाह दर्शक लोकन एना भेलै जे बरियाती साँझ में जेबा के तो आमतौर पर लोग आप साँझ में निकलिए, मुदा सोचू जे मधुबनी से पूर्णिया जेबाक छै तो भोर में निकलनाय एक समयक आवश्यकता छलिए, वही अनुरूप विवाह भेलै। आ प्रीति अहाँ के कोनो एकटा एहन याद हुए ब्याह दिन का जैमे यानी अहाँ के यानी मोन के छू लेने हुए वो घटना ओकरा अहाँ बिसर नहीं पबैत रही? जब आबे छथिन रूम मतलब कोबर घर में ओत लड़की की अहाँ चिन्हू कि के अहाँ के कनिया है तो ओत चिन्ह छथिन तो ई तो गलत चुनि लेने रहथिन एक हमारे बहन छथिन तो उनका कह देने रहथिन कि इएह छथिन तो ओ बड़ा निक लागल यानी या मुँह देखे वाला रहे कि हाँ हम किछ गलत कह देलहुँ एना गलत नहीं करै छी ई बेर केना गलत भऽ गेलै हमरा से गजेंद्र जी अहाँ के की फील भेल छलै ई काल में? ले जला दुनू गोटे झाँपने रहथिन मुड़ी तो ले छे एगो झुकल रहे छे एगो ठाड़ रहे छे। आब ओ टाइम हमरा की सोचले जे ब्याह टाइम में जे लड़की होते वो बेसी झुकल रहते, फिर दिमाग में अल कि नहीं दिमाग में कनी आवे छे जे भसके धोखा दे दुआरे उठा दिल वही सब किछ पर हम डिसीजन ले लिये ठीक से हमरा बोलो ले तो वो डिसीजन सोच के ले लिए लेकिन गलत निकल गए। तैं तो दर्शक लोग कार्यक्रमक शुरू में हम कहने रही जे ब्याह एक एहन मधुर छे जे खाए वाला बतबे छे जे कतेक मधुर वास्तव में एकर स्वाद छे या यानी कटु छे तिक्त छे जे खटरस भोजन छे में केहन स्वाद छे तेकर जानकारी विवाह भेलाक बादे अनुभव केलाक बादे पता लगे छे। हम सब अहिना गप करैत रहब अपने के हिनकर विवाह से यानी हमर जे आजुक अतिथि छथि हमर जे आजुक दंपत्ति छथि हुनका जीवन के विवाह से जुड़ल मनोरंजक तथ्य देत रहब। एकटा लेब छोट सन विराम, अब विराम के बाद फिर से अपने लग हाजिर है। ललका पाग, ललका।